संजय दत्त की जिंदगी अभी अभी तो संभली थी। 2.5 साल की जेल के बाद पत्नी मान्यता और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी शुरू ही हुई थी कि कैंसर ने हमला बोल दिया। फैंस और दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा कि संजू बाबा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं। सब यही दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। संजय दत्त इलाज के लिए जल्द से जल्द अमेरिका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क के उसी कैंसर हॉस्पिटल में संजय दत्त का इलाज होगा जहां उनकी मां नरगिस दत्त और वाइफ रिचा शर्मा का इलाज हुआ था। कहा जा रहा है कि संजय दत्त न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में इलाज के लिए जा रहे हैं। सब जानते हैं कि संजय दत्त का पहली बार कैंसर से पालान नहीं पड़ा है। उनके सबसे करीबी लोग इस घातक बीमारी के शिकार हुए हैं। उनकी मां नरगिस दत्त और वाइफ रिचा शर्मा को भी यही बीमारी हुई थी। 39 साल पहले मां नरगिस दत्त का इस बीमारी से निधन हुआ था। नरगिस दत्त राज्यसभा की सेशन के दौरान गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। वो तारीख थी 2 अगस्त 1980। पहले लगा कि उन्हें जॉइंडिस है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 15 दिनों तक इलाज चला, लेकिन तबियत संभलने की बजाय बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने उनकी दोबारा जाँच की तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। नरगिस पैनक्रियास के कैंसर से पीड़ित थी। सुनील दत्त को डॉक्टरों ने उन्हें अमेरिका ले जाने की सलाह दी। न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में नरगिस का कई महीनों तक इलाज चला, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। भारत लौटने के बाद 2 मई 1981 को नरगिस कोमा में चली गई और 3 मई को 51 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। माँ नरगिस के निधन से संजय दत्त टूट गए थे। उस वक्त वो सिर्फ 22 साल के थे। वहीं सुनील दत्त ने पत्नी की याद में कैंसर पेशेंट्स के लिए 1982 में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन बनाया। ये फाउंडेशन कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज में उनकी आर्थिक रूप से मदद करता है। संजय दत्त का कैंसर से पीछा छूटा नहीं था। 1987 में संजय ने एक्ट्रेस रिचा शर्मा से शादी की थी। अगस्त 1988 में संजय दत्त पापा भी बन गए। बेटी त्रिशाला और वाइफ रिचा के साथ संजय काफी खुश थे, लेकिन जल्द ही संजय की खुशी को नजर लग गई। त्रिशाला के पैदा होने के 4 महीने बाद संजय किसी फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश जा रहे थे। वो फ्लाइट में बैठने ही वाले थे कि उनके लिए एयरपोर्ट पर इमरजेंसी कॉल आई। संजय को बताया कि वाइफ रिचा की तबीयत बहुत खराब है। रिचा का चेकअप करवाया गया तो पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। रिचा को इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया। मां नरगिस की कैंसर से मौत के बाद रिचा का ब्रेन ट्यूमर संजय दत्त के लिए बड़ा झटका था। 8 साल तक रिचा कैंसर से जंग लड़ती रही। 10 दिसंबर 1996 को उनका निधन हो गया। उस दौरान संजय दत्त मुंबई बम ब्लास्ट के तहत जेल में थे। 18 महीने की जेल काटने के बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से अमेरिका जाने की इजाजत मिली थी। जब वो पत्नी रिचा से मिलने पहुंचे तो वो आखिरी सांसें गिन रही थी। रिचा उन्हें पहचान भी नहीं पाई। कैंसर ने संजय दत्त को बार बार झटका दिया है। 61 साल की उम्र में अब वो खुद इस घातक बीमारी के शिकार हैं। संजय दत्त एक फाइटर हैं। जिंदगी में बहुत तूफान आए, लेकिन हर तूफान को वो पार करते चले गए। फैंस और दोस्तों को उम्मीद है कि संजय कैंसर को मात दे देंगे। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कैंसर हॉस्पिटल में उनका इलाज होने जा रहा है, जहां मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे और युवराज सिंह का इलाज हुआ और वो कैंसर